आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में न्यू क्रेडिट कार्ड को कैसे रजिस्टर करते हैं और बिल कैसे पे करते हैं और बिल का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे अपना लॉगिन पासवर्ड इंटर कर लेंगे और यहाँ पे अपना जो है लॉगिन पिन इंटर करेंगे और इसके बाद ऊपर थ्री लाइंस को क्लिक करेंगे और पे में जाएंगे और इसके बाद कार्ड्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कार्ड एक न्यू कार्ड को रजिस्टर करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रजिस्टर क्रेडिट कार्ड, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर इंटर करेंगे, एक्सपायरी डेट और कार्ड का पिन इंटर करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और उसको कंफर्म करेंगे और इसके बाद आपका जो है कार्ड रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कार्ड जो है ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट शो करेगा और इसके बाद यहाँ पे नीचे क्रेडिट कार्ड का बिल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपका किस डेट को ड्यू डेट है बिल पेमेंट का और इसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डाउनलोड बिल स्टेटमेंट, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे बिल जो है आपके ईमेल आईडी पर भी जब बिल जनरेट होता है तो आपके ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो पे, यहाँ पे इनेबल करेंगे तो आपका जिस डेट को ड्यू डेट है उस दिन जो है आपका पेमेंट जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपको 50 दिन का टाइम मिलता है बिल पे करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे बिल पे करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा कि आप जो है मिनिमम अमाउंट पे करना चाह रहे हैं या फिर टोटल अमाउंट पे करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि आप जो है टोटल अमाउंट ही पे करें और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे और इसके बाद इसको कंफर्म कर लेंगे और यहाँ पे जो है आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया है।